तो बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी की चिट्ठी मध्य प्रदेश के नाम जारी की है। पीएम ने चिट्ठी लिखकर राज्य के लोगों से विधानसभा चुनाव में डबल इंजन सरकार के नाम पर समर्थन मांगा है। उन्होंने लिखा है कि मुझ तक अपना समर्थन पहुंचाएं। इस पत्र के माध्यम से 2003 के पहले की दिग्विजय सरकार और केंद्र में रही मनमोहन सिंह सरकार पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है। पीएम ने शिवराज सरकार में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया और लोगों से बीजेपी का साथ देने की अपील की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए 3 दिन के तेलंगाना दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन राहुल ने विजय भेरी यात्रा में हिस्सा लिया। यात्रा के समापन के बाद राहुल ने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आती ही जातिगत जनगणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना जरूरी है, जिससे पता लगेगा कि किसकी कितनी आबादी है और किसके पास हिंदुस्तान का कितना धन है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में फूट पड़ती दिख रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को धोखेबाज बताते हुए आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में गठबंधन को सीट देने का आश्वासन के बाद भी वो मुकर गए। अखिलेश ने कहा कि उन्हें यह पता है कि इंडिया गठबंधन विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं करेगी, तो वो अपने नेताओं को बातचीत के लिए नहीं भेजते। अखिलेश ने कहा कि उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे दलों की को बैठाकर कांग्रेस बेवकूफ बना रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी प्रेम दिखा रहे हैं। मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की और कहा कि 2014 में जब नई सरकार यानी मोदी सरकार बनी तो उनकी बात मानी गई। नीतीश कुमार ने यूपीए सरकार को यह कहकर कोसा कि पहले उनकी बात नहीं सुनी गई थी। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि आरआरटीएस ट्रेनें अब नमो भारत ट्रेन के रूप में जानी जाएंगी। कल देश के पहले आरआरटीएस ट्रेन सिस्टम को पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर का पहला फेज बनकर तैयार है। प्रथम चरण में साहिबाबाद से दुबई स्टेशन तक यानी 17 किलोमीटर के रास्ते को ही खोला जाएगा। इसमें कुल 5 स्टेशन हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की आधारशिला 8 मार्च 2019 को पीएम मोदी ने रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्त और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। इन दोनों पर यूएपीए के तहत अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पुरकायस्त और अमित पर चीन से जुड़ी कंपनियों और संगठनों से फंडिंग लेकर चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है। न्यूज क्लिक के खिलाफ सीबीआई सहित 5 एजेंसियां जांच कर रही हैं। गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 30 अक्टूबर को होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की याचिका खारिज कर दी है। डीके शिव कुमार ने अपने खिलाफ चल रही सीबीआई जांच पर रोक लगाने की याचिका लगाई थी। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीनों में जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया है। शिव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच हो रही है। सूत्रों के मुताबिक अब सीबीआई शिव कुमार की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट का रुख करेगी। कर्नाटक जेडीएस अध्यक्ष सीएम इब्राहिम को उनके पद से हटा दिया गया है। जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने हटाए जाने की पुष्टि की है। जेडीएस के एनडीए में शामिल होने को लेकर इब्राहिम नाराजगी जता रहे थे। 22 सितंबर को जनता दल सेक्युलर ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने की घोषणा की थी। जेडीएस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में गठबंधन की घोषणा की थी। दक्षिण पश्चिम मानसून आज भारत से पूरी तरह से लौट गया। मानसून के लौटने की सामान्य तारीख 15 अक्टूबर है, यानी इस बार मानसून 4 दिन देरी से लौटा है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून ने 25 सितंबर को देश से लौटना शुरू कर दिया था, इसमें से 8 दिन की देरी हुई। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को केरल पहुंचता है, 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। ये 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू कर देता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि मंत्री वी सेंथिल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का भाई फरार है और याचिकाकर्ता बिना पोर्टफोलियो के मंत्री का पद संभाल रहे हैं, इसलिए वो गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। बालाजी को 14 जून को ईडी ने नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। शराब नीति घोटाले के आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने 22 नवंबर तक बढ़ा दी। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि अगर दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी केस में बदलाव के लिए दी गई रिश्वत पर एक विशेष अपराध का हिस्सा नहीं है
तो जांच एजेंसी के लिए सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप साबित करना मुश्किल होगा। सिसोदिया को आबकारी नीति केस में 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 9 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था।